अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको टिंडे छीलने का सही तरीका सिखाऊंगी। टिंडे जो हैं इसको ज़्यादा इस तरह प्रॉपर से इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसके छिलके उतारते हैं। ये देखिए, इस तरह हम सारे टिंडों को छीलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने स्टाइल से टिंडे बनाने की रेसिपी आपको सिखाऊंगी। इसके लिए हमने ऑयल डालना है, ये तो भर भर के इस तरह मैंने स्पून डाले हैं, क्योंकि इसमें शोरबे वाला थोड़ा ग्रेवी वाला टिंडे का सालन बनाना है, गोश और टिंडे, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है। अब मैं इसमें ये प्याज और ये लहसुन इसी तरह डाल दूंगी कुकर में। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, प्याज को लाइट सा, जब प्याज को लाइट ब्राउन होने लगे तो फिर इसमें हम गोश्त जो है वो ऐड कर देंगे। ये लहसुन की जगह मैंने इसमें साबुत ही डाल दी है, ये खुद ही जब गल जाते हैं तो भूनते भूनते ही कुछ गल जाते हैं, और इस तरह लहसुन में खुशबू भी अच्छी आती है, और ये फिर बाद में ये गल जाते हैं और इसको चम्मच से मारें तो ये फौरन ही पिस जाते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम लोगों ने इस तरह प्याज को फ्राई करना है, उसके बाद फिर इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम ये गोश्त डाल देते हैं, तो तकरीबन 1/2 kg गोश्त है। अब ये इसमें अच्छी तरह भूनेंगे प्याज में और लहसुन में, तकरीबन इसको 5 मिनट तक हमें इस तरह भूनना है, जब तक गोश्त की जो पिंक शक्ल है वो वाइट हो जाए उस तक हमने इसी तरह इसे भूनना है। गोश्त की शक्ल जब वाइट हो जाएगी तो फिर उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी मसाले और टमाटर ऐड करना है। तकरीबन 5-6 मिनट तक हमने गोश्त को इस तरह फ्राई करते रहना है। अब गोश्त जो है हमारा भून चुका है, अब इसमें ये स्पाइसेस डालेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। देखें ये लहसुन जो है वो तकरीबन
गल चुका है। इसको हम चम्मच से ये देखें करें तो ये करें कूटें तो ये चम्मच से ही पिस जाता है। भूनते भूनते ही लहसुन जो है वो गल गया। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही इसका जायका इसका बहुत ही मज़े का होगा। ये अदरक जो है इसी में क्रश कर देंगे। अदरक भी इसमें कश करके डाल दिए। और सबक मिर्च और धनिया जो है वो सबसे आखिर में डालेंगे। और इसमें तकरीबन 3 कप पानी जो है वो इसमें डाल देंगे गलने के लिए, ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाए। अगर बाद में इसमें गोश्त पकने के बाद अगर पानी रह गया तो फिर हम इसको ड्राई कर लेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसको ढक्कन रख के इसको तकरीबन 10 मिनट तक 10 सीटी तक इसको रखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह गोश्त जब गल जाएगा फिर हम भून के इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। गोश्त जो है अपनी नोयत का हो, अगर ना गला हो तो 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। वैसे आमतौर पे 10 मिनट तक गल जाता है, लेकिन अगर जो गोश्त ना गला हो तो आप 15 मिनट तक भी इसको रख सकते हैं दोबारा भी फिर। और उसके बाद फिर हम भून के इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। इसके नीचे चूल्हा हमने बंद कर दिया और ये अब इसका प्रेशर ख़त्म होने तक, इससे ये वेट हमने नहीं उठाना। जब इसका प्रेशर ये आवाज़ ख़त्म हो जाए उस वक्त हम ये इसका ये वेट हटाएंगे। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर खोलते वक्त इस पिन का बहुत ख्याल रखना है, जब तक ये पिन खुद ब खुद बैठ ना जाए और इसके अंदर गैस की जो ये आवाज़ आ रही है ये ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक हमने ना ये वेट उठाना है और ना ही हमने प्रेशर कुकर खोलना है। जब तक कि इसकी आवाज़ बिल्कुल, अब देखें इसकी ये पिन जो है ये तकरीबन ये बैठ गई है और ये जो इसकी वेट उठाया इसमें अब बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि इसमें गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको खोलेंगे। गोश्त मैंने चेक किया लेकिन यह है कि गोश्त गला हुआ नहीं था, तो अब मैंने 10 मिनट तक और इसको प्रेशर देना है। तो प्रेशर लगा के 10 मिनट तक और बंद कर देते हैं। और पानी इसमें मैंने 3 कप डाला था वो भी अभी है, तो 10 मिनट तक इसको और प्रेशर देते हैं, ताकि क्योंकि ये बीफ का गोश्त है इसको थोड़ा टाइम लगा है, तो इसको 10 मिनट तक फिर प्रेशर देती हूँ। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद।
इसका प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया है। गोश्त बिल्कुल गल गया, इसमें वो ग्रेवी सी बन गई है और वो सब कुछ इसमें पक गया है। तकरीबन वो जो लहसुन था सब कुछ मैश हो गया है और एक पेस्ट सा बन गया है। इसको मैंने आलू भी दो काट के डालने, अक्सर अमूमन कुछ बच्चों को टिंडे अच्छे नहीं लगते तो घर में अक्सर ये टिंडों के साथ आलू भी डाल दिए जाते हैं ताकि अगर कोई बच्चा टिंडा ना खाए तो वो आलू भी खा सकता है। और ये वैसे भी मैंने टिंडे मैश नहीं करने हैं, खड़े रखने शोरबे में, हल्का सा इसका शोरबा हमने रखना है। तो ये आलू डाल देते हैं पहले, साथ ही ये टिंडे भी अब डाल देते हैं। अब इसमें ये एक कप इसमें पानी डाल देंगे। और 3 मिनट के लिए इसको फिर लगा देंगे कुकर को ताकि टिंडे और आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल सकें। अब ये धनिया जो है बारीक बारीक काट लेंगे। सबसे आखिर में ये पकने के बाद ही ऊपर डाल के रख देंगे थोड़ी देर के, 5 मिनट के लिए बंद करके कुकर रख देंगे। तो इसकी धनिया की बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े की स्मेल इसमें आ जाएगी। बस जो मिर्च भी इस तरह साबुत डाल देंगे ताकि अगर जिसको अगर पसंद हो मिर्च ज़्यादा तो वो फिर खा सकता है साथ साथ, लेकिन ये है कि आजुकात इसमें किसी को पसंद नहीं होती तो वो एक साइड पे कर देता है। और जायका इसका खुशबू सी इसमें सालन में बहुत अच्छी आती है। अब ये टिंडे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, टिंडे हमारे गल गए होंगे और आलू भी, लेकिन इस कुकर को हमें उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक इसमें से गैस जो है वो ख़त्म ना हो जाए और ये पिन बैठ ना जाए। उस वक्त तक हमने बिल्कुल इसको टच भी नहीं करना। अब प्रेशर कुकर का प्रेशर देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 3 मिनट मैंने टिंडे और ये आलू पकाए और 1 कप इसमें पानी डाला था, लेकिन प्रेशर कुकर में जब प्रेशर इस पर 3 मिनट का आ गया उसके बाद फिर मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ किया और प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब इसका ढक्कन खोलते हैं, ये देखें मज़े के अल्लाह की शान कुदरत का नज़ारा देखें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के टिंडे जो हैं वो तैयार हैं, आलू भी रेडी हैं
आलू भी कट चुके हैं। देखिए आलू भी गल चुके हैं और टिंडे भी अच्छी तरह गल चुके हैं। हल्का हल्का सा इस तरह शोरबा। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चें और ये धनिया जो है ये ऊपर से डाल के इसको दम लगा देंगे। ये हमारा टिंडा और वो जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें देखें इस तरह हमने रखना है इसको, इसको डिश आउट करती हूँ। टिंडों का गोश्त सालन बिल्कुल रेडी है। का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरा चैनल जो है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।